सो गाइस, अगर आप भी अपने बायजूस के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि गाइस मैं आपको आज ऐसे तीन तरीके बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप अपने बायजूस डी लर्निंग ऐप के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। सो गाइस प्लीज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें और अपने भाई को सपोर्ट करें। सो गाइस, जो सबसे पहला वाला तरीका है उसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्रोम ऐप को ओपन कर लेना है। गाइस मैंने अपना क्रोम ऐप यहां पर ओपन कर लिया है। क्रोम ऐप ओपन करने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है बायजूस कंप्लेन। जैसे कि गाइस मैं सर्च करता हूं बायजूस कंप्लेन, उसके बाद गाइस आपको यहां पर सर्च कर लेना है। सो फ्रेंड्स, आप जैसे ही बायजूस कंप्लेन सर्च करते हैं तो आपको यहां पर पहला वेबसाइट दिख रहा होगा, बायजूस कंप्लेंट्स रेजोल्यूशन। तो आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि गाइस मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर दिया है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे चले आना है और आपको यहाँ पर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है प्लीज़ हेल्प अस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, अगर आप भी अपने बायजूस के अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो गाइस इसमें सबसे पहले आपको अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गाइस आपको यहाँ पर अपना नेम फिल कर देना है जो भी आपने बायजूस में दिया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने बायजूस में जो भी नेम दिया था उसको आप यहाँ पर टाइप कर दे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अपना ईमेल दे देना है। अगर आपने कोई भी ईमेल बायजूस के ऐप में दिया था यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था तो आप यहाँ पर ईमेल दे दे, और नहीं भी दिया था फिर भी आप यहाँ पर कोई एक ईमेल दे दे। इसके बाद गाइस आपका मतलब बायजूस का अकाउंट जो भी नंबर से रजिस्टर्ड है बायजूस में आप उसको यहाँ पर फिल कर दे, जो आपको यहाँ पर दिखा है थर्ड ऑप्शन में रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिख रहा है फोर्थ में ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। सो गाइस मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पर अपना वो वाला फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल करना है जो आपने मतलब ऑल्टरनेट के तौर पर आपको देना है, ताकि उसमें कोई भी आपको मैसेज आए तो आप उसका मतलब कि रिप्लाई कर पाए उन्हें बायजूस को। इसके बाद गाइस आपको लिखा है प्लीज़ समराइज योर कंसर्न इन वन लाइन। सो गाइस आपको ऐसे मेन टॉपिक है हमें अपना बायजूस का अकाउंट डिलीट करना है, इसलिए गाइस आप यहाँ पर लिख दे प्लीज़ डिलीट माई बायजूस अकाउंट परमानेंटली। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लास्ट में लिखा है प्लीज़ एलोबरेट योर कंसर्न, यानी कि गाइस आपको यहाँ पर डिटेल में लिख देना है कि आप अपना बायजूस का अकाउंट डिलीट करना क्यों चाहते हैं। सो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस को फिल कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर सारे ऑप्शंस को फिल कर दिया। जैसे कि गाइस हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है अपना नेम ऑफ द स्टूडेंट, उसके बाद ईमेल आपको दे देना है और रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देना है जो भी आपका मतलब कि बायजूस का अकाउंट में रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने फ़ोन नंबर दिया था। उसके बाद गाइस आपके यहाँ पर ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देना है और आपको जो यहाँ पर लास्ट में सेकेंड लास्ट में दिख रहा होगा प्लीज़ समराइज योर कंसर्न इन वन लाइन, तो गाइस मैंने यहाँ पर लिखा है प्लीज़ डिलीट माई बायजूस अकाउंट। तो गाइस जो आपको लास्ट में लिखना है वहाँ पर आपको डिटेल में लिखना है, इसलिए गाइस जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है वही आप भी टाइप कर ले। तो गाइस मैंने यहाँ पर टाइप किया हेलो डियर बायजूस टीम, प्लीज़ डिलीट माई बायजूस अकाउंट परमानेंटली ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजन, सो प्लीज़ स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस एंड कॉल्स। सो गाइस आप जब ये सारे ऑप्शंस को फिल कर दिए यानी कि सारे डिटेल दे दे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट, तो गाइस आपको सबमिट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। सो गाइस आप जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है थैंक्स यू फॉर योर फीडबैक, वन ऑफ योर एक्सपर्ट्स विल गेट इन टच विद यू, यू टिकट नंबर विल बी मेल्ड टू यू शॉर्टली। सो गाइस जैसे ये वाले बायजूस टीम वाले मैसेज को पढ़ लेगी उसके बाद हमें वो रिप्लाई करेगी, यानी कि हमने जो भी फ़ोन नंबर दिया या फिर ईमेल दिया है उस पर हमें बायजूस टीम रिप्लाई करेगी कि हमारा अकाउंट मतलब कि डिलीट कितने देर में हो जाएगा। सो गाइस सेकंड जो सबसे बेस्ट वे है बायजूस के अकाउंट को डिलीट करने का वो है गाइस जीमेल के थ्रू, यानी कि गाइस आप बायजूस टीम को एक मेल कर सकते हैं कि हमारा बायजूस का अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दें वो। इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले अपना जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है, उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर रेड कलर में नीचे एक पेंसिल टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो गाइस आप ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर दें। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख रहा होगा फ्रॉम, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि फ्रॉम का मतलब ये है कि आप अपने कौन से जीमेल मतलब कि जीमेल एड्रेस से उन्हें जीमेल कर रहे हैं। तो गाइस अगर आपने मतलब कोई भी एक जीमेल बायजूस के रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया था तो आप वही जीमेल का यूज़ करें, क्योंकि गाइस इससे जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। और गाइस अगर आपने कोई मतलब जीमेल नहीं भी दिया था रजिस्ट्रेशन के टाइम तो आप कोई भी जीमेल से सेंड कर सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर सेकंड में दिख रहा होगा टू, तो गाइस सेकंड वाले ऑप्शन में आपको बायजूस का मतलब ऑफिशियल एड्रेस को फिल करना है। जैसे गाइस मैं इस टाइम फिल कर देता हूँ, गाइस आपको भी अपने जीमेल सेंड करे टाइम यही एड्रेस फिल करना है जो कि गाइस ये रहा cancellations@bayjus.com। सो गाइस आप ये टाइप कर दे, उसके बाद आप सब्जेक्ट में लिख दे प्लीज़ डिलीट
माई बायजूस अकाउंट परमानेंटली। उसके बाद गाइस आप यहाँ पर ईमेल सेंड कर देना कि आप अपने मतलब बायजूस का अकाउंट डिलीट करना क्यों चाहते हैं। जैसे कि गाइस मैं स्टार्ट में यहाँ पर पहले लिख चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो गाइस एक मिनट प्लीज वेट कर ले, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये रहा, जैसे कि गाइस हमने जो पहले लिखा था हमने वही लिख दिया यहाँ पर भी। हेलो डियर बायजूस टीम, प्लीज डिलीट माई बायजूस अकाउंट परमानेंटली ड्यू टू माई सम पर्सनल रीजन, सो प्लीज स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस एंड कॉल्स। और गाइस मतलब कि अगर आपने कोई भी जीमेल सेंड नहीं भी किया था तो आप यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर यहाँ पर दे दें ताकि उन्हें आसानी हो। जैसे कि मैं इस टाइम यहाँ लिख देता हूँ रजिस्टर्ड फोन नंबर। उसके बाद गाइस आपका मतलब जो भी एक रजिस्टर्ड फोन नंबर हो आप यहाँ पर टाइप कर दे, और आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा सेंटर में यहाँ पर मतलब ट्राइंगल टाइप का, तो आप ये वाले ऑप्शन में क्लिक कर दे। गाइस आप इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रॉपर एड्रेस ही फिल करें, यानी कि बायजूस का जो एड्रेस है वो प्रॉपर ही फिल करें। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं लिखा है cancellations@bayjus.com। तो गाइस आपको ये वाले में ही सेंड करना है, यानी कि ये एड्रेस का यूज़ करके सेंड करना है। सो गाइस जैसे कि मैं यहाँ पर स्टैम्प सेंड कर देता हूँ। सो गाइस हमारा यहाँ पर जीमेल सेंड हो चुका है बायजूस टीम को। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पर इस टाइम देख भी सकते हैं सेंड वाले ऑप्शन में जाके, जैसे कि गाइस हमारे यहाँ पर सेंड हो चुका है अभी अभी। सो गाइस हमारे यहाँ पर सेंड हो चुका है बिल्कुल आसानी से। सो गाइस एक से दो दिन के बाद हमें एक वापस से जीमेल का रिप्लाई आएगा, यानी कि गाइस जिसमें लिखा होगा कि बायजूस के तरफ से हमारा अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया गया है। इसलिए गाइस आप कम से कम एक से दो दिन प्लीज वेट करें। सो गाइस थर्ड जो सबसे बेस्ट वे है बायजूस के टीम को कॉन्टैक्ट करने का, यानी कि अपना अकाउंट को डिलीट करने के लिए कॉन्टैक्ट करने का, उसके लिए गाइस सबसे पहले आप क्रोम ऐप को ओपन कर ले। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर वापस से क्रोम ऐप ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर टाइप करना है बायजूस हाँ सपोर्ट। जैसे कि गाइस मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। सो गाइस आप जैसे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला जो नंबर दिख रहा होगा, गाइस मैं आपको बता दूँ कि आप ये वाले नंबर का यूज़ करके उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि हमारा अकाउंट डिलीट कर दो। और गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे बेस्ट वे है, और गाइस इसमें आपको तुरंत ही रिप्लाई भी मिलेगा और तुरंत ही आंसर मिल जाएगा कि आपका अकाउंट कितने देर में डिलीट होगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी बायजूस के ऐप से आप उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये नंबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो आप वहाँ से भी उन्हें कॉल कर सकते हैं। और गाइस जीमेल का जो एड्रेस मैंने आपको बताया वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो गाइस मैंने आपको जो भी मेन तीन स्टेप्स बताए, यानी कि तीन वेज बताए बायजूस के अकाउंट को डिलीट करने के, गाइस अगर आप भी उन स्टेप्स को सही से फॉलो करेंगे तो आपका अकाउंट बायजूस का बहुत ही आसानी से डिलीट हो जाएगा। और गाइस इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा गाइस आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे।